नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, आजादी के 74वें जश्न की बात थी और यही होने वाली है। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, 15 अगस्त को लाल किले से होने वाला आजादी का उत्सव बेहद खास है। इस दफा लाल किले की सुरक्षा घेरे को बेहद खास रूप से तैयार किया गया है। क्या कुछ होगा, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान के बुलंद इतिहास की इमारत यानी लाल किला, हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक यानी लाल किला, हिंदुस्तान की अटूट विरासत की इमारत लाल किला। आजादी, विरासत और इतिहास के अनगिनत पन्नों को समेटे ये इमारत लाल किला हिंदुस्तान के संघर्ष का प्रतीक है। आजादी के 74वें साल के जश्न के लिए तैयार है लाल किला। 15 अगस्त के जश्न की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाल किले की सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजामों की बार बार समीक्षा की जा रही है। बीते साल 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद इस दफा ऐसा अभेद किला तैयार किया जा रहा है जिसको भेद पाना किसी के बस में नहीं होगा। जाहिर है 2022 में हिंदुस्तान अपनी आजादी के 75वें साल को मनाएगा। उससे ठीक एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर आयोजित होने वाले जश्न भी बेहद खास होंगे। यहां उन खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान के तिरंगे की शान में 4 चांद लगाए हैं। खिलाड़ियों के सम्मान का न्योता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मेहनत के कारण होता है जी। अभी बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम है। पीएम मोदी ने ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही उन्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम का स्पेशल न्योता भी खुद ही दिया है। जाहिर है हिंदुस्तान के तिरंगे को पूरी दुनिया के सामने सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों की जब लाल किले में मौजूदगी दर्ज होगी तो नजारा ही कुछ और होगा। इसके अलावा लाल किले में और क्या खास होगा? लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री क्या क्या ऐलान कर सकते हैं? आजादी के जश्न की तैयारियों की पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए बने रहिए तेज के साथ। तीन दिन बाद स्वतंत्रता दिवस मनाए गए देश। इस खास मौके के लिए लाल किले पर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है। सुरक्षा एजेंसी मुस्तैद है। जमीन से लेकर आसमान तक एक अभेद सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयार हो रही है राजधानी। अभेद किले में तब्दील हो रहा है लाल किला। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। किसी भी आतंकी खतरे को निस्तनाबूद करने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। छब्बीस जनवरी 2021 को लाल किले पर हुए हिंसक प्रदर्शन से सबक लेते हुए पुलिस ने मेन गेट को बड़े कंटेनर से ब्लॉक कर दिया है। यानी अगर कोई शख्स लाल किले पर तैनात तमाम पुलिस वालों को चकमा देकर मेन गेट तक पहुंच भी गया तो ये बड़े कंटेनर उसे रोक देंगे। ये कंटेनर एक तरफ लाल किले का सुरक्षा कवच होंगे तो दूसरी तरफ इन्हीं कंटेनर में बड़ी बड़ी पेंटिंग कर इन्हें सजा दिया गया है। इन कंटेनर पर इस बार की स्वतंत्रता दिवस की थीम लिखी गई है। इस बार की थीम है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। कार्यक्रम स्थल पर महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की पेंटिंग लगाई गई है।
15 अगस्त को लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के हाथों में होगी। करीब 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी 15 अगस्त को सुरक्षा में तैनात रहेंगे। लाल किले और आसपास इस बार पहले के मुकाबले एंटी ड्रोन सिस्टम की संख्या को बढ़ाकर 9 कर दिया गया है। ये एंटी ड्रोन किसी भी तरह के ड्रोन पैराग्लाइडर को मार गिराने में सक्षम है। एनएसजी के कमांडो को लाल किले के आसपास 30 पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। लाल किला और उसके आसपास 15 लोकेशंस पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे जो किसी भी आतंकी को देखते ही अपने अचूक निशाने से ढेर करने में सक्षम हैं। लाल किला और उसके आसपास 5 एयर डिफेंस गन को भी तैनात किया जाएगा। लाल किले के आसपास पुरानी दिल्ली का इलाका है। यहाँ बड़ी इमारतों की छतों पर भी 350 रूफ टॉप लगाए गए हैं। इन रूफ टॉप्स पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर 15 अगस्त पर लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। अगर किसी ने पतंग उड़ाया तो काइट कैचर उसे जमीन पर गिरा देंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 1500 लोगों को इनविटेशन भेजा गया है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सुबह 7:15 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से पहले 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के लिए बेहद खास मौका है। ऐसे खास मौके पर सुरक्षा के इंतजाम भी अभूतपूर्व किए गए हैं। सभी एजेंसियों ने मिलकर लाल किले के आसपास एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। इस बार 15 अगस्त को देश आजादी के जश्न में खलल डालने वालों व नापाक साजिश खुफिया अलर्ट तैयार है, जिसके बाद लाल किले की सुरक्षा को देखते हुए इसे तब्दील कर दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा कि जब लाल किले की सुरक्षा के लिए कंटेनर की अवैध दीवार खड़ी की जाएगी। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी इस स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार देश को संबोधित करेंगे, हमेशा की तरह ये ऐतिहासिक इमारत किले में तब्दील होगी। ना तो कोई उड़ता आतंक इस अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था को भेद पाएगा, न ही जमीन पर देश के दुश्मनों की कोई चाल कामयाब हो पाएगी। पूरी तरह छावनी में तब्दील होगा लाल किला। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जश्न आजादी के मौके पर ये पहली बार होगा जब लाल किला पूरी तरह ढका होगा। ये पहली बार होगा जब लाल किले की किलेबंदी कंटेनर से की गई होगी, यानी लाल किले और चांदनी चौक के बीच कंटेनर की एक ऐसी सुरक्षा दीवार होगी जिसके पार जाना तो दूर, देखना तक नामुमकिन होगा। लाल किले के मेन गेट के पास 20 से ज्यादा कंटेनर लगाए गए। किसानों के आंदोलन और खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है। अगर कोई प्रदर्शनकारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा को भेद कर आगे बढ़े तो भी ये कंटेनर उन्हें लाल किले में अंदर जाने से रोक देंगे। 26 जनवरी को किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर के साथ लाल किले के अंदर दाखिल हो गए थे और जमकर उत्पात मचाया था, जिसके बाद लाल किले की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करते हुए इसे कंटेनर से घेर दिया गया है। खुफिया सूत्रों को मिल रही इनपुट के मुताबिक 15 अगस्त को हंगामा करने की कोशिश हो सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर लाल किले के सामने कंटेनर की दीवार खड़ी कर दी गई है। इनपुट ये भी है कि आतंकी आजादी के जश्न में खलल डालने की नापाक कोशिश कर सकते हैं। ड्रोन से हमला भी किया जा सकता है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है। लाल किले के 5 किलोमीटर के दायरे में परिंदा भी पर ना मार सके, इसके लिए लाल किले पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम 10 अगस्त से पहले फिट कर दिए जाएंगे। इस सिस्टम की खासियत है कि इसका रडार ड्रोन को ढूंढ कर जाम कर देता है, उसे खराब कर देता है और जमीन पर गिरा देता है। आतंकी हो या असामाजिक तत्व, स्वतंत्रता दिवस की इस 75वीं सालगिरह पर कोई भी अनहोनी न हो, इसके लिए राजधानी छावनी में तब्दील होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात होंगे। लाल किले पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी और इस सब के अलावा लाल किले की सुरक्षा में कंटेनर की अभेद्य दीवार होगी, जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। आतंकी और असामाजिक तत्व 15 अगस्त पर आजादी के जश्न में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद 15 अगस्त के लिए दिल्ली ने सुरक्षा पुख्ता कर दी है। जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान चेकिंग कर रही है। मकसद किसी भी कोशिश को नेस्तनाबूद करना है।
आजादी की 75वीं सालगिरह का ये मौका बेहद खास है। इस बार के मेहमान बेहद खास हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी लाल किले पर मुख्य अतिथि होंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया है। उनके बैठने का इंतजाम बाकी मेहमानों से अलग होगा, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा को लेकर इस बार खास तौर पर अलर्ट हैं। लाल किले के चारों ओर दिल्ली पुलिस CRPF ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है। 15 अगस्त पर लाल किले पर हमले का खुफिया अलर्ट है, लिहाजा पुलिस और भी चौकन्नी हो गई है। आतंक के इन चेहरों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। हर सामान की तलाशी ली जा रही है, हर स्कूटर बाइक की जांच की जा रही है, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकी ड्रोन जिहाद कर दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में जुटे हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर चिपकाए हैं जो दिल्ली को दहलाने की साजिश कर सकते हैं। पोस्टर में बाकायदा लिखा गया है कि अलकायदा के इन 6 आतंकियों की दिल्ली पुलिस को तलाश है। पोस्टर के नीचे एक नंबर भी दिया गया है जिस पर आतंकियों के बारे में सूचना दिल्ली पुलिस को दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के मौके पर आतंकी लाल किला या उसके आसपास के 3 किलोमीटर तक के दायरे में हमले को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते हुए इसे 10 दिन पहले ही 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। खुफिया अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। ड्रोन हमले के खतरे से निपटने के लिए पहली बार विशेष ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को दी गई है। इसमें सॉफ्ट किल व हार्ड किल ट्रेनिंग शामिल है। इस ट्रेनिंग में बताया गया है कि अगर कोई संदिग्ध ड्रोन दिल्ली या उसकी सीमा पर नजर आएगा तो उसे जाम करना है या फिर उसे उड़ा देना है। इस बार 4 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लाल किले पर लगाए जा रहे हैं। लाल किले की सुरक्षा और अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 330 विशेष और अत्याधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लाल किले के अंदर और बाहर लगाए जा रहे हैं। जाहिर है आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। बाजार से सड़क तक, कॉलोनियों से पार्क तक दिल्ली पुलिस के जवानों की पैनी नजर है। आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है जिससे जश्न आजादी में खलल ना पड़े। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार। नमस्कार।